व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। तो आइए देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपके लिए क्या सोच रही है और क्या प्लान्स कर रही है। ओके, थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी पास्ट की बातें सोच रही है, कहीं पे स्टक है वो, और शायद आपके पार्टनर के साथ स्टक है। हो सकता है इन दोनों में फ़िलहाल कुछ दूरियां हैं और वो स्टक है, वो चाहती है कुछ। शायद आपके पार्टनर और उन दोनों में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, तो चाहती है कि इक्वल गिव एंड टेक हो। पास्ट में जो भी उसने समय बिताया उसके लिए सोच रही है, हैंग्ड की पोजीशन से निकलना चाहती है, बंधा हुआ फील कर रही है। कुछ भी ऐसे सिचुएशन है जहां वो बंधा हुआ फील कर रही है, और वो कहीं ना कहीं खुद को आपके पार्टनर का ट्विन समझती है, और वो चाहती है कि वो आपके पार्टनर की तरफ दौड़ के जाए। काफ़ी इमोशंस रखती है आपके पार्टनर के लिए, और वो चाहती है कि आपको बांध के रखे, वो आपको और आपके पार्टनर को बांध के रखे। वो चाहती है कि आप और आपके पार्टनर कभी मिल ना पाओ, आप बंधे रहो हमेशा इस पोजीशन में। कुछ ब्लैक एनर्जीज का भी यूज़ कर रही है, हो सकता है अभी उन दोनों के झगड़े चल रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब झगड़े, परेशानियाँ फैल गई हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है, और वो चाहती है कि आप बंधे रहो। आप पे हमेशा स्पेल वर्क करती रहती है, जस्ट आज भी अगर आप जगे हो गए तो आपको हेडेक हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ वो टू अप कप्स की एनर्जी फील करती है, उसको लगता है कि आपका पार्टनर उसका ट्विन है, आपका पार्टनर उसका सोलमेट है, और वो जो चाहती है कि उस आपके पार्टनर को बांध के रखे, अपने पास रखे, वो आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती, जिस वजह से, और आपका पार्टनर उससे अब निकलना चाहता है, जिसके वजह से दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, दोनों में झगड़े चल रहे हैं, और बहुत सैड कंडीशन में है वो, क्योंकि उसके थर्ड पार्टी के पास से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अब वो ना निकलना चाहती है उन कंडीशन से, झगड़े वाले कंडीशन से निकल के आपके पार्टनर के साथ फिर से सुलह करना चाहती है, सब अच्छा करना चाहते हैं। आपके पार्टनर और आपकी थर्ड पार्टी और आप तीनों थर्ड आप वर्क प्लेस पर हो सकते हो, सेम वर्क प्लेस पर आप लोग हो सकते हो। तो ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर को हमेशा अपने मुट्ठी में करके रखें, वो उनके ऊपर राज करना चाहती है इसी वजह से, और आपका पार्टनर अब बंद के नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहा है, वो आपके बारे में फील कर रहा है, वो आपके बारे में इमोशंस रखता है, तो वो अब चाहता है वहाँ से निकलना। वो बहुत लोगों से बातें कर रहा है, आपका पार्टनर भी बातें कर रहा है बहुत लोगों से, और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर निकलने की पूरी तैयारी कर चुका है थर्ड पार्टी से। और हाँ बिल्कुल, इन दोनों में टावर आ चुका है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में टावर की कंडीशन बनी रहे, जो कि फ़िलहाल है तो बनी रहे, बट आपका पार्टनर अब इस कंडीशन से बाहर निकल के आपकी तरफ आना चाहता है, आपके साथ लव फील कर रहा है, और थर्ड पार्टी चाहती है आपकी लाइफ में हमेशा बुरी कंडीशन रहे, हमेशा आप तड़पते रहो, रोते रहो, कष्ट में रहो और परेशान रहो। तो जब भी आप देख रहे होंगे, अभी जस्ट फुल मून जो गया है, उसने फिर से कुछ ऐसा स्पेल वर्क किया है जिसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, और आप लोगों के सर में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा होगा। तो इसकी वजह से थर्ड पार्टी चाहती है कि आपका पार्टनर आपसे चीट करे, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से भी चीट कर रही है, वो चाहती है कि आप दोनों के बीच में कंडीशन सही ही ना हो, बहुत गंदी स्थिति हो, बहुत झगड़े होते रहे, लड़ाई होते रहे, कभी बातचीत ही ना हो। फिलहाल तो ऐसी कंडीशन है आप दोनों में, लेकिन अब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से भी उसने चीट किया है, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास ऑप्शंस की कमी नहीं थी, बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो थर्ड पार्टी ने उन ऑप्शंस के साथ भी समय बिताया है। तो शायद ये आपके पार्टनर को पता चल गई है बात, अब वो आपको याद कर रहा है और आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी से रिश्ते को डेथ करना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते का डेथ करना चाहते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या है ना, कि अब थर्ड पार्टी चाहती है कि आप दोनों अलग रहें, और वो आपके पार्टनर के साथ अब उसके पैसों का यूज़ कर सके, क्योंकि अब तक थर्ड पार्टी उसके पैसों का यूज़ करती हुई आई है, आपके पार्टनर का यूज़ करती आई है, और अभी भी वो चाहती है कि इसको कंटिन्यूटी बनी रहे। ओके, बट आपका पार्टनर आपके लिए इमोशनल हो रहा है, काफ़ी इमोशंस रखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए,
और आपकी थर्ड पार्टी ने इतने गंदे गंदे काम किए हैं आपके लिए, वो आपकी सुंदरता को ख़त्म करने के लिए भी स्वल्व किया है। आप गंदे लोगों देखने में, आप लोगों के सामने बदनाम हो जाओ, झगड़े करते रहो, गुस्से में रहो, मतलब सारे तरह के स्पेलवर्क उसने हथकंडे अपनाए हैं आपको बर्बाद करने के। लोगों के सामने अगर सेम वर्क प्लेस पे हो तो लोगों के सामने आपकी बदनामी होती रहे, ये सारे काम आपकी थर्ड पार्टी ने किए हैं। लेकिन बावजूद इसके वो आपके पार्टनर के मन से आपको निकाल नहीं पाई है। आपका पार्टनर आपके लिए काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, और ये ना स्टेबिलिटी देने की इच्छा रखते हैं आपके लिए। काफ़ी दुखी है पास्ट की गलतियों से, उसने पास्ट में जो गोस्टिंग की आपके साथ, पास्ट में जो आपको जैसे ट्रीट किया उसके लिए काफ़ी दुखी है आपका पार्टनर। अपनी फैमिली से भी बात कर रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर की थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, और काफ़ी स्टॉकिंग चल रही, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और थर्ड पार्टी भी आपको काफ़ी स्टॉक कर रही है। थर्ड पार्टी काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर की है, बिल्कुल आपके पार्टनर को बांध के रखना चाहती है, इधर देखो उधर बैठो, ऐसे रहो ऐसे चलो, उसके फ़ोन के चेकिंग, मतलब काफ़ी कुछ थर्ड पार्टी के ऊपर। मतलब सेम वर्क प्लेस पे हो तो काफ़ी आपकी बदनामी करना, आपके आपके अगर बॉस है तो आपके ऊपर हुक्म चलाना, बहुत सारी ऐसी बात है। जैसे जो भी होगी थर्ड पार्टी काफ़ी गंदे स्वभाव की होगी, दुनिया के सामने वो अच्छी बनने की कोशिश करती होगी, लेकिन काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर की है। और अब लेकिन आपके इस रिश्ते पे ईश्वर का आशीर्वाद है, आपके पार्टनर आपकी केयर करना चाहते हैं। कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में जो उनके पापा चाचा भाई जो भी होंगे, उनके भी दबाव में आपके पार्टनर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेंथ नहीं है उनके पास, बट स्ट्रेंथ इकट्ठी करना चाहते हैं आपकी तरफ आने के लिए। बर्डन है बहुत ज़्यादा भयंकर बर्डन, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी चाहती है कि आप ऐसे ही बर्डन में रहो, परेशान रहो, कष्ट में रहो, आपकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाए, आप खुद से कोई भी डिसीज़न ना ले सको, इतनी गंदी तरीके से आपके बारे में सोचती है, इतना मतलब बुरी तरह से चाहती है, वो चाहती है आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता रहे, आपकी तरफ आए ना, और आपको मतलब धोखा मिलता रहे हमेशा, परेशान रहो आप। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को भी इसी तरह से धोखा दिया, जिससे आपका पार्टनर बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में, बहुत परेशान है, बट आपका पार्टनर स्पीड में आपकी तरफ आना चाहता है, वो किसी की नहीं सुनने वाला, वो विक्ट्री चाहता है आपके ऊपर। और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर विक्ट्री चाहती है, आपके ऊपर विक्ट्री चाहती है, लेकिन आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहता है। थर्ड पार्टी ऐसे जगल कर रही है, वो भाई कुकर की सीटियाँ तो बहुत डिस्टर्ब करती हैं, तो थर्ड पार्टी इस तरह से जगल कर रही है। उसके पास दो ऑप्शंस, तीन ऑप्शंस, कई ऑप्शंस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के पास भी कई ऑप्शन है, वो भी जगल कर रहे हैं। दोनों की एनर्जी आ रही है इसमें कि आपके पार्टनर बात करना चाहते हैं आपसे, मैसेजेस कॉल देना चाहते हैं, टूटे हुए हैं थर्ड पार्टी की वजह से, काफ़ी टूटी वाली कंडीशन है, दिल टूटा हुआ, हार्ट ब्रेक, बट आपको ऑफर देना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, जो कि अब एंड है, एंड के कगार पे है, बहुत लोगों का एंड हो चुका है, तो खुश हो जाओ क्योंकि आप उनके एम्प्रेस हो और आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत लोगों की लाइफ में आने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत की का पहिया खुलने वाला है, किस्मत की चाबी आने वाली है, और बहुत सब कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। ये जुलाई लास्ट होते होते ना सब बहुत अच्छी खुशी आएगी, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर आपकी लाइफ को बैलेंस करने वाले, जो भी परेशानियाँ थी सब कुछ ख़त्म करने वाले हैं, और आपका लाइफ ना बैलेंस में आने वाला है, क्योंकि सन आ रहा है आपकी लाइफ में। सन कार्ड के का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस, सब कुछ आएगा, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड भी लेंगे लोगों के सामने, आपके लिए लड़ेंगे भी, और आप ग्रो करोगे स्टार की तरफ, बिल्कुल बहुत सुंदर सीनरी। और थर्ड पार्टी अनेक पार्टियों में फ्लर्ट करते हुए अपना समय बिताएगी, अभी भी थर्ड पार्टी की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रहेगी, और आप इस तरह से ग्रो करोगे, बहुत सुंदर सीनरी है। थैंक यू।